सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और उसको आप होल्ड पे रखना चाहते हैं एक दिन, दो दिन, दस दिन या फिर आप उससे ज़्यादा साल भर या दो साल, तो दोस्तों आप कैसे किसी भी कंपनी के शेयर को, किसी भी कंपनी के स्टॉक को होल्ड पे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। तो ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने अपने किसी भी शेयर को होल्ड पे रखना है। जब दोस्तों यहाँ पे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर दें तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले एक अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है। ग्रो एप्लीकेशन पे आपने कैसे अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कैसे आपने अपना डीमैट अकाउंट बनाना है। और ग्रो एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जब हम किसी भी स्टॉक को होल्ड पे रखते हैं तो आपने क्या करना होगा, जब इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सप्लोर का और यहाँ पे होल्ड का और यहाँ पे आगे आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर आपको निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और आगे भी आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, सेंसेक्स और यहाँ पे फिर निफ्टी का। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस एप्लीकेशन में स्टॉक्स और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, तो ये दो अलग अलग आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे जाके। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप अगर किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, किसी भी शेयर को खरीदते हैं और उसको कुछ दिन के लिए आप होल्ड पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जाना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं होल्डिंग का ऑप्शन। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी स्टॉक होल्ड पे नहीं रखा हुआ है, आगे जाएंगे हम यहाँ से वॉच लिस्ट पे जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक है वो होल्ड पे आएगा जब आप उसको खरीदेंगे। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे होल्ड के ऑप्शन पे अभी कोई भी स्टॉक होल्ड पे नहीं है, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लोर के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं दो, आप यहाँ पे देख रहे हैं गेनर्स और लूजर्स। यहाँ पे इसने दो ऑप्शन दिए हुए, जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर जा रही है आज, तो इसमें गेनर में आई हुई है वो सारी, और जो नीचे जा रही है आज, जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है आज, तो वो सारी लूजर में जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गेनर के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाने वाला हूँ, मैं आपको कोई भी शेयर किसी भी कंपनी को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी कंपनी किसी भी शेयर को चुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने क्या करना होगा, हम यहाँ पे सी मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, इस पे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आ जाती है, बहुत सारे शेयर आ जाते हैं, जिस शेयर को भी हम यहाँ पे खरीदना चाहते हैं उस शेयर को हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखें इनके जो भी प्राइस है वो सारे अलग अलग आपको मिलेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी आपको मिल जाएगी और यहाँ पे मार्केट प्राइस आपको भी मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे शेयर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जोमेटो का शेयर है, यहाँ पे जोमेटो कंपनी को हम यहाँ पे चुन लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, दोस्तों जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का, ये हमारे पास में यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है और नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं सेल का और यहाँ पे बाई का। दोस्तों इसका जो भी अभी मार्केट प्राइस है जोमेटो शेयर का, आप यहाँ पे देख रहे हैं 64.45, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे मार्केट प्राइस है 64.45 अभी एक शेयर का है। दोस्तों हमें यहाँ पे अभी एक शेयर को खरीदना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते तो हमारे सामने यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे जो भी जोमेटो का शेयर है वो आ जाएगा, इसकी जो भी डेप्थ है, जो भी इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं दो, डिलीवरी और इंट्राडे। तो हमें अगर किसी भी शेयर को होल्ड पे रखना है तो उसको यहाँ पे डिलीवरी पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी और एनएससी और लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बीएससी, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे लिमिट प्राइस का ऑप्शन आ जाता है, अगर आप यहाँ पे लिमिट प्राइस इसमें लगाना चाहते हैं तो लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है इसमें क्वांटिटी डालने का, कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे खरीदनी है, हम यहाँ पे अभी एक क्वांटिटी खरीदने वाले हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी हमें यहाँ पे जोमेटो का एक शेयर पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा 65.75 रुपये में, अभी जो भी इसकी वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 पैसे, 65.75 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपने जाना होगा बाई के ऑप्शन पे। अब हम यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे शेयर है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुके हैं इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाई ऑर्डर रिक्वेस्टेड, जो भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर है वो प्लेस हो चुके हैं। जोमेटो का एक शेयर हमने यहाँ पे खरीद लिया है डिलीवरी में, और यहाँ पे इसकी हम पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डर के ऑप्शन पे आ जाएगा। और जैसे दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन होगी कल सुबह तो ऐसे ही होल्ड के ऑप्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ऑन रहती है तो हमारा जो भी शेयर है वो होल्ड पे आ जाता है तुरंत ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी ये हमने ऑर्डर किया है तो हमारा जो भी शेयर है यहाँ पे ऑर्डर के ऑप्शन पे आ चुका है। और जितने दिन तक भी हम इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं इसको होल्ड रखेंगे, और जब हमारा मन होगा इसको बेचने का तो हम इसको यहाँ पे बेच देंगे। तो आपने यहाँ पे शेयर को कैसे बेचना है होल्डिंग शेयर को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। या फिर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, आप सीख गए होंगे कि कैसे आपने किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड पर रखना है। तो वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाले और भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना, तब तक ले जय हिंद।